हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये जावा प्रोजेक्ट सीरीज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का तीसरा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं जहां पे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में ओवरव्यू और सेकंड वीडियो में गाइस हमने बात की थी कनेक्शन क्लास। और गाइस आप नए हो तो पहले फर्स्ट वाली दो वीडियो जरूर देखो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। आज की वीडियो में हम ये वाला पेज बनाएंगे जो आप सामने देख सकते हो, ये ओपन हो रखा है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा इंडेक्स पेज है, होम पेज, जहाँ से हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं, ठीक है। मतलब जब आप सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करोगे तो सबसे पहले आपका यही वाला पेज ओपन होगा जहाँ से हम लॉगिन करेंगे। हमारे दो मॉड्यूल्स हैं, एडमिन लॉगिन और लाइब्रेरियन लॉगिन, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमको एक नई क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बनाने के लिए हमको जाना है अपने प्रोजेक्ट पे जो कि हमने बनाया था इससे पहले वीडियो में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। वहाँ पर हमने एक पैकेज बनाया था लाइब्रेरी नाम का, और इसके अंदर जाके हमको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जावा क्लास, ठीक है। क्लास बनानी है, क्लास का नाम रखते हैं हम इंडेक्स, और आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहना है। सिंपल आपको फिनिश कर देना है तो आपके यहाँ पे जावा क्लास बन जाएगी। तो सबसे पहले हमको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी, java.awt.event, और दूसरी मेरे को यहाँ पे लाइब्रेरी लगानी है, इम्पोर्ट java.awt.start, ठीक है, इम्पोर्ट java.awt.start। और फिर तीसरी मेरे को एक लगानी है यहाँ पे स्विंग की लाइब्रेरी, इंपोर्ट java.x.swing। और गाइस यहाँ पे मेरे को जे फ्रेम एक्सटेंड कराना है क्योंकि मेरे को पूरा फ्रेम बनाना है, ठीक है, ये वाला फ्रेम। तो इस फ्रेम के लिए मेरे को यहाँ पे फ्रेम को एक्सटेंड कराना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड करा लेता हूँ, एक्सटेंड जे फ्रेम। और इम्प्लीमेंट्स भी कराना है मेरे को, एक्शन लिसनर। यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे एरर देखते हैं क्या एरर आ रही है। इंडेक्स इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्शन परफॉर्म, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक्शन परफॉर्म मेथड जो है वो ओवरराइड कराना है, ठीक है। सबसे पहले हम उसी वाले मेथड को ओवरराइड कराते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ठीक है। देखो हमारे यहाँ से एरर हट चुकी है क्योंकि हमने ये मेथड ओवरराइड करा दिया है जो कि हमारे इंप्लीमेंट्स के अंदर आता है, तो हमारे यहाँ से एरर हट चुकी है। अब हमको सिंपल अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि सारी कोडिंग होगी हम अपने कंस्ट्रक्टर में करने वाले हैं, ताकि जैसे ही हमारी क्लास रन हो तो हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोडिंग है वो ऑटोमेटिक रन हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारे क्लास लोडिंग टाइम पर रन होता है, और सबसे पहले हम एक यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं अपना। तो गाइस यहाँ पे हमारी पूरी क्लास की कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुकी है, बस अब हमको सिंपल यहाँ पे कोडिंग करनी है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चेक करते हैं अभी हमारे को कितने लेवल्स चाहिए। तो गाइस अब यहाँ पे देखो जो फ्रेम है साइड में, हमको कितने लेवल्स चाहिए यहाँ पे, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, दूसरा एडमिन लॉगिन, तीसरा लाइब्रेरियन लॉगिन के लिए, और फोर्थ हमको लेवल चाहिए अपनी इमेज ऐड कराने के लिए। तो टोटल हमको यहाँ पे फोर लेवल चाहिए, तो हम जे लेवल क्लास के वेरिएबल ले लेते हैं फोर। उसके बाद हमको दो बटन चाहिए यहाँ पे, तो दो बटन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो सिंपल मेरे को यहाँ पे जे पैनल क्लास के वेरिएबल लेने होंगे, ठीक है, p1, p2, p3, ठीक है। मेरे को यहाँ पे तीन पैनल लेने हैं, वो कौन कौन से, पहला इमेज के लिए, दूसरा एडमिन लॉगिन और लॉगिन बटन के लिए, तीसरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे फॉन्ट लेना है क्योंकि इनके फॉन्ट मेरे को बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नहीं चाहिए, जो मैं दूंगा वो फॉन्ट यहाँ पे मेरे को चाहिए, ठीक है। मतलब अपने दिए हुए फॉन्ट चाहिए, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नहीं है यहाँ पे, जो आप फ्रेम देख रहे हो यहाँ पे मैंने फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सबसे पहले सुपर मेथड लगाना है। सुपर मेथड किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हो फ्रेम में सबसे ऊपर जो आ रहा है होम पेज लिखा हुआ, वो हमको बताता है कि मतलब पेज हमारा कौन सा ओपन है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ऊपर लाइब्रेरी मैनेजमेंट अपाचे नेटवर्क आईडी 11.3 आ रहा लिखा हुआ, तो हमको पता चल रहा है कि हमारी कौन सी आईडी खुली हुई है, कौन सा हमारा प्रोजेक्ट अभी वर्किंग पे है। इसका सिंपल काम वो होता है, जैसे मैं ये वाला फ्रेम ओपन किया तो मेरे को पता चल जाना चाहिए मैंने कौन सा वाला फ्रेम ओपन किया, मतलब इसका काम क्या है। तो लिखा हुआ सिंपल होम पेज, मतलब कि मेरे प्रोजेक्ट का ये होम पेज है। तो हम यहाँ पे होम पेज ना लिखे, हम लिखेंगे यहाँ पे लॉगिन पेज, क्योंकि होम पेज तो हमारा वो है नहीं, ठीक है। तो सुपर मेथड देना है लॉगिन पेज, ठीक है। और उसके बाद हमको सेमी कॉलन लगाना है, उसके बाद हमको यहाँ पे इसकी लोकेशन ऐड करनी है ताकि कहाँ पे ये लॉगिन जब होगा पेज हमारा तो कहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, मतलब कि स्क्रीन पे कहाँ पे ओपन होने वाला, हमको यहाँ ओपन करना है, इधर साइड ओपन करना है, कहाँ पे ओपन करना है, वो हमको वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी होती है सेट लोकेशन में। और उसके बाद मेरे उसका सेट साइज करना है, उसको साइज देना है 500 दे देते हैं एक्स एक्स पे, और वाई पे देते हैं 200, ठीक है। और उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे अपना फॉन्ट बना लेना है, फॉन्ट में देना है मेरे को न्यू फॉन्ट क्लास का जो वेरिएबल था हमको उसको ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे न्यू फॉन्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बनता है वो न्यू से बनता है, ठीक है।
प्लस फॉन्ट, और इसके अंदर हमको वैल्यू देने एरियल, और इसको हमको टाइप देना है कि मतलब फॉन्ट हमारा बोल्ड होने वाला है या फिर इटैलिक होगा या फिर प्लेन रखना है हमको, तो हमको यहाँ पर रखना बोल्ड, ठीक है। और बोल्ड मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमको इसका साइज देना है 25। और इसी तरीके से मेरे को दूसरा वाला जो दूसरा वेरिएबल था फॉन्ट का वो बना लेना है, इसका भी हमको एरियल ही रखना है और फॉन्ट रहेगा बोल्ड, बट इसका साइज हमको देना है 20, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट का साइज बढ़ा रहा है, बाकी सबके साइज हमारे छोटे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने दो साइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया। उसके बाद मेरे को बनाना है लेवल का ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को यहाँ पर, तो L1 इक्वल टू न्यू लेवल, इसके अंदर वैल्यू देनी है मेरे को एडमिन लॉगिन, ठीक है। और सेमी कोलन, फिर मेरे को दूसरा लेवल बनाना है यहाँ पे मेरे को देनी है लाइब्रेरियन लॉगिन, ठीक है। और इसका मेरे को नेम चेंज कर देना है यहाँ पे, L1 है, L2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और गाइस उसके बाद यहाँ पे मेरे को L3 लेना है, L3 के अंदर मेरे को देना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद मेरे को बटन बनाना है BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन, और उसके अंदर मेरे को वैल्यू देनी है लॉगिन, ठीक है। और इसी प्रकार मेरे को बटन 2 बनाना है, बटन 2 भी मेरा लॉगिन ही रहेगा, बट सिंपल मेरे को यहाँ पर नेम चेंज करना है अपने बटन का, ठीक है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जब भी मैं बटन पर क्लिक करूँ तो कुछ एक एक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब एक्शन करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक्शन लिसनर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा मेरे को BT1.addActionListener, ठीक है। और उसके अंदर मेरे को वैल्यू पास करनी है दिस, क्योंकि इसी क्लास का बटन है, क्योंकि दिस क्या करता है गाइस उसी क्लास को रेफर करता है, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे अपनी इमेज का यूज करना है, हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना लिया है, एडमिन लॉगिन, लाइब्रेरी लॉगिन और बटन भी हमने बना लिया, बट हमको इमेज अभी नहीं बनाई है। तो इमेज बनाने के लिए हमको मेथड यहाँ पे लगाना होता है इमेज आइकन का, ठीक है। इमेज आइकन क्लास का हमको यूज करना होता है इमेज आइकन, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं गाइस, हम यहाँ पे ले लेते हैं ING इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, और उसके अंदर मेरे को इमेज को फैच कराने के लिए कुछ मेथड्स लगाने होते हैं, क्लास लोडर और डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, ठीक है। तो गाइस जो भी हमको इमेज का पाथ सेट करना है, सबसे पहले हमको अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है, मेरा प्रोजेक्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, उसके अंदर आपको SRC फोल्डर में जाना है, SRC के अंदर लाइब्रेरी में जाना है, और यहाँ पे आपको एक फोल्डर बना लेना है जिसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं आइकन, ठीक है। और उसके अंदर हम रखने वाले हैं अपनी सारी इमेजेस को, ठीक है। आइकन बना हुआ कि हमने फोल्डर बना लिया, और मैंने सभी इमेज अपनी कॉपी करके रख ली हैं जो कि मेरे को प्रोजेक्ट में अपने यूज़ करनी है, और इस वाले फोल्डर के अंदर मैं उन सभी इमेजेस को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये इमेजेस वगैरह मैं आपको सभी इमेजेस जो भी हैं पूरा प्रोजेक्ट का कोड मैं आपको जिप फाइल सेंड करूँगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, कंप्लीट जिप फाइल ही आपको सेंड करूँगा, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, कोड, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इमेजेस और डेटाबेस का कोड, सब कुछ उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया आइकन नाम का, यहाँ पर आप देख सकते हो फोल्डर ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है लाइब्रेरी के अंदर आइकन, library.icon, ठीक है। इसके अंदर आप ओपन करोगे तो मेरी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैं इनको यूज कैसे करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको इमेज का पाथ कैसे देना है, आपको सिंपल जाना है लाइब्रेरी के अंदर, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लाइब्रेरी, और उसके अंदर आपको जाना है आइकन में, उसके अंदर आपको देना है इमेज का नाम, इमेज का नाम है हमारा यहाँ पे, चेक कर लेते हैं, हमारी इमेज का नाम था यहाँ पे Login2, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, इसकी एक्सटेंशन है PNG, तो हमको लिखना है यहाँ पे Login2.png, ठीक है। और उसके बाद हमको सेमीकोलन, ये हमारा पाथ हो चुका है पूरा इमेज का अपना, और जब हमने इमेज का पाथ दे दिया तो उसको हमको एक इमेज में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि ये तो इमेज आइकन था, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं इमेज, और इसका वेरिएबल ले लेते हैं i=getImage.getScaledInstance, हमको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर हमको देना है इसका इमेज का कितना साइज रहेगा, हम दे देना है 130 और 120 कोमा, यहाँ हमको एक कॉन्स्टेंट यूज करना है इमेज स्केल डिफॉल्ट, ठीक है। ये देखो कैसे हमारे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अब ये तो इसको बताया नहीं कौन सी वाली इमेज का हमको साइज देना है, सिंपल ये तो हमने बताया नहीं, हमको देना है IMG वाली इमेज, जो अभी इमेज हमने ऊपर से गेट कराई उस वाली इमेज का साइज हमको यहाँ पे इतना करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा img.dot, ठीक है, img.getImage, और बाकी हमको सारा पूरा मेथड यहाँ पे लिखना पड़ेगा,
उसके बाद फिर से हमको एक आइकन में कन्वर्ट करना है। जब हमारी इमेज का साइज ठीक हो चुका है जो हमने दिया था उस साइज में कन्वर्ट हो चुके इमेज, तो उसको फिर से हमको आइकन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो इमेज आइकन IMG वेरिएबल ले लेते हैं, बट टू इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, और इसके अंदर हमको पास कराना है अपना जो भी हमारी अभी इमेज थी आई। ठीक है, इतना काम करने के बाद गाइस हमको अपनी इमेज को एक लेबल में ऐड कराना है जो कि हमारा लेबल था 4L4 इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसके अंदर हमको डाल देनी है IMG2। ठीक है, अब बस इतना काम होने के बाद हमको अपनी अपने जितने भी लेबल्स हैं और जितने बटन हैं सब पर अब हमको फॉन्ट ऐड कराना है। तो फॉन्ट ऐड कराने के लिए सिंपल गाइस हम जाते हैं L1 पे, L1.setFont, क्योंकि हमने फॉन्ट ऊपर क्लास वेरिएबल बना लिए थे सेट फॉन्ट, हमको लिखना है यहाँ पे F1। ठीक है, F1 का साइज हमारा छोटा था और L1 है हमारा यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं L1 क्या है। L1 हमारा एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन पे हम F1 लगाते हैं, और L2 पर भी हमको F1 ही लगाना है। L3 हमारा था लाइब्रेरी मैनेजमेंट, L3 पर हम लगाते हैं बड़ा वाला फॉन्ट F, और हमको अपने बटन पर भी मतलब कि FBT1 पर भी हमको F1 लगाना, BT2 पर भी हमको F1 लगाना है। ठीक है, और गाइस एक चीज़ आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है वो हमारा मिडिल में आ रहा है और उसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हमको पहले मिडिल में लगाने के लिए लिखना है L1.setHorizontalAlignment, और यहाँ पे इसकी हाइट ही देनी है हमको, हाइट मतलब कि यहाँ पे बताना कि हमको कहाँ पे लिखना है इसको डॉट सेंटर। ठीक है, और इसका हमको बैकग्राउंड कलर देना है, तो वो चेंज करने के लिए L1.setBackground, कलर हमको क्या देना है गाइस, इसका कलर हमारा यहाँ पे ब्लू। ठीक है, इतना काम होने के बाद गाइस हमारा सब कुछ तैयार है, अब हमको सिंपल इसको पैनल में ऐड कराना है। पैनल में ऐड कराने के लिए सिंपल हमको पहले पैनल बनाना पड़ेगा, P1 इक्वल टू न्यू से पैनल, और गाइस फिर हमको उस पर सेट लेआउट लगाना है, तो P1.setLayout न्यू ग्रिड लेआउट, हमको वैल्यू देनी होती है कि हमारे कितनी रो हैं कितने कॉलम हैं। तो हमारे यहाँ पे हम P1 लगा रहे हैं इस वाले पोर्शन पर, मेरा कर्सर देखो इस वाले पोर्शन पर लगा रहे हैं जितना भी लेआउट है। तो यहाँ पे मेरे दो रो हैं एडमिन लॉगिन और लाइब्रेरी लॉगिन, और दो ही कॉलम है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे टू रो हैं हमारी, और एक सेकंड यहाँ पे हमारी टू रो हैं और टू ही कॉलम दिए गए हैं, और 10-10 का यहाँ पे गैप है दोनों के बीच में। ठीक है, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, P1 में ऐड कराना है अपना L1, और उसके बाद मेरे को आपके P1 में मेरे को ऐड कराना था अपना Button2 BT2, और P1 में ऐड कराना है मेरे को L2, उसके बाद ही मेरे को ऐड कराना है BT2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे BT1 आएगा और इस नीचे आएगा BT2। ठीक है, इतना कराने के बाद गाइस मेरे को फिर से पैनल बनाना है, तो पैनल बनाने के लिए मैं इसी को अलग कॉपी करूँगा। एक पैनल बनाना है मेरे को इमेज के लिए, तो इसका नाम देता हूँ मैं P2। ठीक है, और इसमें एक ही रो है मेरी, एक ही कॉलम है। ठीक है, कर सकते हैं इमेज में एक ही रो है एक ही कॉलम है। हमको इमेज ऐड करानी है P2.add, और यहाँ पे हमको करा देना है L4। ठीक है, हमारी इमेज L4 पे ऐड थी, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक पैनल और बनाना लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए P3 के लिए, P3 और यहाँ पे P3, ये भी वन रो है वन कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, P3 में मेरे को ऐड कराना है अपना L3। ठीक है, क्योंकि L3 था मेरा इसका जो भी जिस वेरिएबल में मैंने रखा था इसको ऑब्जेक्ट में अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट को, वो L3 था। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, L3 में मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट लिखा है, तो मैंने यहाँ पे इसको L3 ऐड करा दिया। ठीक है, बस मेरे को यहाँ पे सेट लेआउट फिर से बनाना है, और उसके अंदर मेरे को बॉर्डर लेआउट ऐड कराना है, और इसके अंदर मेरे को देना है 10 और 10। ठीक है, इसके बाद मेरे को अब देखो चेक करना है ऐड, मेरे को जो मेरा सबसे ऊपर आने वाला है वो मेरा P3 कोमा, इसको मेरे को ऐड कराना है सबसे ऊपर मतलब कि नॉर्थ में। P2 गाइस मेरे को ऐड कराना है वेस्ट में, मतलब कि मेरे को इमेज अपनी वेस्ट में ऐड करानी है, और मेरे को P1 जो मेरे एडमिन लॉगिन और लाइब्रेरी लॉगिन है वो मेरे को कराना है सेंटर में। ठीक है, CNTR, और वो जो भी बची हुई इसकी जगह रहेगी यहाँ पे वो ऑटोमेटिक सेंटर में सेट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार हम इसको अब रन करके देखते हैं, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारा देखो इस तरीके से ओपन हो रहा है। अभी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम ओपन नहीं है, ना ही बैकग्राउंड इसका ब्लू आ रहा है और ना ही ये मिडिल में हमारा शो हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेते हैं। तो गाइस देखो हमारे यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही है, हमने जो भी सेंटर पे लगाया है
वो हमको लगाना था लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, बट वो मैंने लगा दिया L1 पे, L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और देखो हमारा यहाँ पे एडमिन जो है वो अभी मिडिल में रहा है, यहाँ पे एडमिन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पे मिडिल से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको लगाना था लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, मतलब कि अपने L3 पे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एडिट करना होगा उसको, L1 की जगह हमको करना है L3। और ये जो बैकग्राउंड वाला सीन है ये हमको नहीं लिखना है, क्योंकि बैकग्राउंड जो आएगा हमारा वो तो पैनल का बैकग्राउंड आ रहा है, ना कि हमारे टेक्स्ट फील्ड का, ठीक है। यहाँ पे L3 डॉट सेट फोरग्राउंड वाइट, ठीक है। P3 में हमको ऐड कराना है P3 डॉट सेट बैकग्राउंड, और इसके अंदर मेरे को देना है कलर डॉट ब्लू, ठीक है। और अब एक बार मैं इसको रन कराता हूँ, फिर देखते हैं हमारा ठीक से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल हमारा सेम टू सेम रन हो चुका है, ठीक है। तो अभी तो कैसे हमारा सब कुछ सही हो रहा है, जबकि मैं यहाँ बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि मैं बने हुए मेरे जो बना हुआ फ्रेम है उसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे लॉगिन पे तो मेरा एक एक्शन होता है, और जो मेरी डेटाबेस से मैंने कोडिंग की है उसके बाद मेरा ये वाला पेज खुलता है एडमिन लॉगिन का, ठीक है। यहाँ पे नाम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा और लॉगिन हो जाएगा। तो मेरे को वही कोडिंग करनी है अपने बटन पे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ ई डॉट गेट सोर्स, अगर हमारा सोर्स जो हमारा बटन 1 से BT1, तो हमको यहाँ पे कोडिंग करनी है। अगर हम बटन दूसरे वाले बटन पर क्लिक कर रहे हैं, मतलब कि BT2 जो भी हमने नाम दिया, इफ ई डॉट गेट सोर्स अगर हमारा आ रहा है बटन 2 से, तो हमको कोडिंग अपने इस वाले पार्ट में करनी है, ठीक है। तो अब कोडिंग क्या करनी है, हमको यहाँ पे क्लास बनानी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था तो एक क्लास मेरी नई ओपन होकर आ रही थी, तो हमको यहाँ पे क्लास ओपन करनी है। जैसे मैं बटन 1 पे क्लिक करूँ तो मेरी क्लास ओपन होकर आए, न्यू एडमिन, उस क्लास का नाम हम रखेंगे एडमिन, और यहाँ पर लगा देंगे शायद विजिबल, और उसका टू, ठीक है। और जो करंट क्लास है, जो हमारी ये वाली क्लास है, यहाँ से फॉल्स हो जानी चाहिए, ठीक है। तो दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है। और इसी तरीके से हमको ये वाली कोड हमको नीचे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्लास का नाम चेंज कर देना है। अगर मैं लाइब्रेरियन वाले पे क्लिक करूँ तो मेरी लाइब्रेरियन वाली क्लास ओपन होनी चाहिए, तो उसका नाम हम उस वाली क्लास का नाम रख देंगे लाइब्रेरियन, ठीक है। ये वाली दोनों क्लास जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इस वाली वीडियो में डेटाबेस का कोई भी काम नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस से कोई भी इंटरेक्शन हमारा नहीं हो रहा, सिंपल हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी लॉगिन वाली क्लास ओपन हो जा रही है, ठीक है। अभी तो रन नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ पे एरर शो कर रहा है, जो क्योंकि हमने एडमिन वाली क्लास अभी नहीं बनाई है यहाँ पे। तो इस वाली क्लास को अभी मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं, जोन से बटन पर क्लिक करेंगे वो वाला मैसेज हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि हमारा कोड ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आना चाहिए एडमिन लॉगिन, और वहाँ से एडमिन लॉगिन मतलब कि ये मैसेज मेरा प्रिंट हुआ। उसके बाद मेरा जो फ्रेम था वो यहाँ से कट हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अगर मैं क्लिक करता बटन 2 पे तो मेरा यहाँ पे लाइब्रेरियन लॉगिन मैसेज प्रिंट होता और उसके बाद वाला फ्रेम यहाँ से हट जाता, ठीक है। तो बस इतनी कोडिंग थी। अगर आप नए हो तो प्लीज़ पहले वाली 2 वीडियो जरूर देखो, ठीक है, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे समझ में आएगी। कोई एरर आई है, कुछ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे को, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोड भी अगर आपको चाहिए तो गाइस मेरे को आप इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको प्रोजेक्ट में थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो, ठीक है।